अगर जिस तरीके से जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं विंध्य वाले क्षेत्र की, तो दूसरी तरफ ये ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र भी, मुरैना भी अगर हाथ से निकलता है तो वो भी चिंता वाली बिल्कुल। इस बीच रायसेन से बड़ी खबर है, वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, वार्ड नंबर 11 में बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, वार्ड नंबर 2 और 3 पर भी कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, ओबेदुल्लागंज में 12 वार्डो में बीजेपी का कब्जा हो गया है, रायसेन की ये सीट है, 2 वार्डों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। ओबेदुल्लागंज के 12 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई है, वार्ड नंबर 11 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, वार्ड नंबर 2 और 3 पर कांग्रेस का कब्जा यहां पर हुआ है। वही विदिशा नगर पालिका अपडेट आपको दे दें, सिरोंज के 15 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 4 वार्डों में कांग्रेस और 1 पर सपा जीती है। और इसके अलावा 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है, तो समाजवादी पार्टी यहां से 1 सीट पर 1 वार्ड में जीतती हुई नजर आ रही है। सिरोंज के 15 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 4 वार्डों में कांग्रेस तो 1 पर समाजवादी पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। इसके अलावा दतिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 नगर परिषदों में बीजेपी की जीत हुई है, सेवड़ा भांडेर इंदरगढ़ में कमल खिला है। बिल्कुल, दतिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विधानसभा क्षेत्र है और 3 नगर परिषदों के 27 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधनी क्षेत्र और दूसरी तरफ अगर बात करें दतिया में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है। और इन क्षेत्रों में कई जगह पर हमने देखा था कि जो पार्षद थे वो पहले से निर्विरोध भी चुन लिए गए थे। बिल्कुल, इस बीच गुना से बड़ी खबर बता देते हैं जल्दी से, कुंभराज के 6 वार्ड पर कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं बीजेपी ने भी 6 वार्डों पर कब्जा किया है, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी 6 पर जीत हासिल की है, गुना से बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये ग्वालियर जो अंचल है यहां पर अभी हम देख रहे हैं लगातार, अगर पालिका परिषदों में भी देखें तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुना बीसी क्षेत्र में आता है और यहां पर देखिए टफ फाइट है भाजपा के लिए आदर्श। बिल्कुल, और इसी दिशा में ये लगातार जो अलग अलग जगहों से रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे मुकाबला बेहद टाइट था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वार्डों में खासतौर पर बीजेपी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी ने 6 वार्डों पर कब्जा किया है, गुना से भी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उधर सागर से बीजेपी के लिए खुशखबरी आई है, जी हाँ, सागर से आई खुशखबरी का भी जिक्र अब लोकेंद्र आप कर दीजिए जल्दी से। नगर परिषद माथौन में बीजेपी की जीत हुई है, कुल 15 वार्डों का परिणाम सामने आ गया है, जिसमें भाजपा का यहाँ क्लीन स्वीप है, एक तरीके से 12 वार्डों में जीत दर्ज की है। शाहगढ़ में कुल 15 वार्डों का भी परिणाम सामने आ गया है, यहाँ पर 8 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है, 4 वार्ड में कांग्रेस, और नगर परिषद बंडा में भी बीजेपी की जीत हुई है, 15 वार्ड में से 9 पर बीजेपी जीत गई है, 4 वार्डों में कांग्रेस जीती है। आठ वार्डों में बीजेपी की ये जीत हुई है। अलग अलग जगहों से जिस तरीके से ये अब चुनावी परिणाम